कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत दौरे का आज आखिरी दिन हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात, व्यापार बढ़ाने और निवेश को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगे ट्रूडो, सुषमा स्वराज से भी करेंगे मुलाकात। कनाडा ने खालिस्तान समर्थक जसपाल अटवाल को दिल्ली में डिनर का न्योता किया रद्द, दिल्ली में इस मुद्दे पर सवाल से बचते नजर आए पीएम ट्रूडो। विदेश और गृह मामलों के मंत्रालयों ने लिया अटवाल वीजा मामले का संज्ञान, गृह मामलों का मंत्रालय ब्लैक लिस्ट के एंगल से भी जांच कर रहा है। खालिस्तान समर्थक अटवाल के ट्रूडो कनेक्शन पर गरमाई पंजाब की सियासत, कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ और बीजेपी के तरुण चुग ने अटवाल को इनवाइट किए जाने पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र प्रायोजित स्कीमों में 90-10 की हिस्सेदारी की मांग की है और कहा कि पंजाब को मिले विशेष श्रेणी का दर्जा, सरहदी इलाकों के लिए भी विशेष पैकेज की मांग उठाई। मेडिकल कॉलेज को लेकर पंजाब कैबिनेट में सामने आए मतभेद, कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मोहाली में ही बनेगा मेडिकल कॉलेज, लेकिन मुख्यमंत्री ने संगरूर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी। 84 दंगों के 186 केस की फिर से जांच के लिए गठित एसआईटी के तीसरे सदस्य को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र ने तेलंगाना के पूर्व डीजीपी एसएन वासन का नाम सुझाया था, आज कोर्ट तय करेगा वासन की नियुक्ति हो या नहीं। अकाली दल नेता जसविंदर कौर शेरगिल की पिटाई मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, दायर याचिका पर पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को डीएसपी पद मिलने का रास्ता साफ, मुख्यमंत्री के दखल के बाद भारतीय रेलवे ने माफ किया हरमनप्रीत का बॉन्ड। दिल्ली में आज किसानों का महासंग्राम, हरियाणा पंजाब राजस्थान के 62 किसान संगठनों का प्रदर्शन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कर्ज माफी और किसान खुदकुशी समेत कई मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में महाजाम की तैयारी। रादौर में दिल्ली कूच को लेकर सड़क पर बैठे किसानों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने जीटी रोड पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। 7 मार्च को इनेलो ने दिल्ली में किसान अधिकार रैली करने का ऐलान किया, कहा केंद्र और प्रदेश के सामने ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एसओएल को बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हिसार में 39 दिनों से पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठे 80 गांव के ग्रामीणों ने कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के घेराव की चेतावनी दी है, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की भी बात कही है। सरसा में किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, खराब फसलों के मुआवजे से किसानों को कर्ज मुक्त करने की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। हरियाणा में जारी है आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन, हिसार के बाद पानीपत में भी चम्मच प्लेट बजाकर प्रदर्शन कर्मचारियों की तरफ से किया गया। गुरुग्राम में फिर सामने आया निजी अस्पताल की मनमानी का मामला, पथरी के ऑपरेशन के लिए बनाया 17 लाख का बिल, लापरवाही के चलते मरीज की मौत, पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को मामला भेजा। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज को जींद में हूटिंग का सामना करना पड़ा, एकलव्य स्टेडियम में चल रहे कबड्डी मैच में देरी से पहुंचने पर विज के भाषण पर नाराजगी जताई। गुरदासपुर पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, आरोपी नशे के आदि हैं, आरोपियों से चोरी किया सामान भी जब्त कर लिया गया। रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में साल 2016-18 बैच के सभी छात्रों को प्लेसमेंट दिया गया।
साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 29 इलाके में उबर कैब के चालक पर युवती का फोटो खींचने का आरोप लगा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कैब चालक को गिरफ्तार किया। हिमाचल के नालागढ़ में चलाया गया स्वच्छता अभियान, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिस्सा लिया। नाहन में फिर शर्मसार हुई इंसानियत, काला अंब में झाड़ियों के बीच मिली 2 महीने की बच्ची, रोने की आवाज सुनने पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। 2 परिवारों ने जताई बच्ची को गोद लेने की इच्छा। बॉलीवुड निर्माता व निदेशक विपुल अमृतलाल शाह की आने वाली फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग अमृतसर में शुरू हो गई है और फिल्म में प्रणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आज से 46वें रोज फेस्टिवल की शुरुआत होगी। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, सांसद किरण खेर और मेयर देवेश मोदगिल फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे।